नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 118 और एक्सेल 2007 टू 2019 के लेक्चर नंबर 10 में हम सीखेंगे कि हमारी एक्सेल शीट के अंदर जो नाम लिखा होता है वो नाम हम कैसे चेंज करें और एक्सेल शीट का नेम रीनेम करने के बाद कलर कैसे चेंज करें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 और अब हम ओपन कर रहे हैं एक्सेल 2019। यह है एक्सेल 2019 जो आपके सामने ओपन हो रहा है। ये एक्सेल 2019 के अंदर आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले डिफॉल्ट शीट शीट 1 लिखा होकर आ गया। आपने यहाँ बहुत सारी शीट ऐड करके रखी है, कुछ इस तरह से हम शीट ऐड कर सकते हैं और अगले वीडियो में भी हम देख चुके हैं कि शीट ऐड कैसे करते हैं। लेकिन देखो सब शीट के जो नेम रहते हैं वो कुछ इस तरह से है और शीट के डिफॉल्ट कलर भी सेट किया हुआ है। तो चलो शीट 1 है, वहां पे मुझे कुछ नेम रीनेम करना है तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूंगा, रीनेम पे जाऊंगा और लिख दूंगा ABC। मैंने यह नाम रख दिया, एंटर प्रेस किया, नेम रीनेम हो गया। दूसरी चीज, दूसरा तरीका यह है शीट 2 है। शीट 2 के नेम पर डबल क्लिक करें, दो बार डबल क्लिक करने पर ऐसे एडिटिंग मोड आ जाएगा। एडिटिंग मोड में हम लिख देंगे DEF, हमने ऐसा नाम रख दिया तो यह हो गया। यहां पे अगर करना चाहे डबल क्लिक करें, लिखे डेटा, यह हो गया। तो कुछ इस तरह से आप शीट के नेम चेंज कर सकते हो। और अब ये डेटा का कलर जो है मुझे चेंज करना है तो राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने बाद नीचे से चौथा ऑप्शन टैब कलर आएगा, टैब कलर में चले जाइए। टैब कलर में जाओगे वहां आपको जो भी कलर पसंद पड़े वो रख सकते हो, जैसे कि रेड रख दिया। देखो ये रेड शीट हो गई। DEF का कलर चेंज करना है तो टैब कलर में जाएंगे, वहां से ले लिया। और ABC का टैब कलर चेंज करने के राइट क्लिक करके वहां पे हम जाएंगे, हमने ये रख दिया। तो कुछ इस तरह से हम टैब का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप शीट सिलेक्ट करोगे तो एसेंट कलर हो जाएगा, जैसे इस तरह से। तो जो शीट सिलेक्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो दोस्तों शीट का कलर और शीट का नेम हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजिटल क्लास। गुड बाय।